CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 में आज सुनते हैं कार्यक्रम अनमोल उपहार। हाँ मुन्नी, ये गुड़िया बनाने के लिए कपड़ा ऐसे ये सुई लो दादी माँ। हाँ सुई लो और उसमें इसी रंग का धागा डालो। दादी माँ। राजू भैया आ गए तुम यहाँ कर? अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो रही है। हाँ मुन्नी, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। ठहरो मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ राजू बेटा, सचमुच तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो रही है और इनमें से पानी भी बह रहा है। अरे तुम्हारे तो कपड़े भी गीले हैं। अच्छा समझी, तो तुम फिर आज उस गंदे तालाब में नहा कर आए हो। गलती हो गई दादी माँ, फिर ऐसे कभी नहीं करूँगा। बहुत जलन हो रही है, जल्दी कुछ करो ना। हाँ हाँ अभी तुम्हारी आँखें साफ करती हूँ। चलो पहले साफ पानी से आँखें धो लो। जी हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। नहीं ऐसे नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा सा और साफ करो पानी से आँखों को। हाँ ठीक है दादी माँ। आज तो किशन की आँखें भी लाल थी, इसीलिए तो दीदी ने उसे स्कूल से जल्दी घर भेज दिया। अच्छा अरे अरे आँखों को मलो मत, नहीं तो जख्म हो जाएगा। ये लो साफ रुमाल, इसी से धीरे धीरे आंखें पोंछ लो। शाबाश, हाँ ऐसे ठीक है। मुन्नी बिटिया जरा गुलाब जल की शीशी तो लाओ। लाई दादी माँ, ये लीजिए। हाँ हाँ दो। आओ राजू बेटा। जी हाँ इधर आओ मेरे पास, तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल दूँ। हाँ अपना सर रखो इधर मेरी गोद में। हाँ शाबाश, आंखें खोलो। अरे कुछ नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मैं बहुत ध्यान से डालूंगी। ये देखो एक आंख में तो डल भी गया, अब ये दूसरी आंख में भी। हाँ लो डल गया गुलाब जल, कुछ पता लगा नहीं? हाँ लेकिन दादी माँ मेरी आंखें कब तक ठीक हो जाएंगी? जल्दी ही ठीक हो जाएंगी बेटा, पर देखो तुम्हें आंखों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी आंखें शरीर का बहुत कोमल अंग है। हाँ दादी माँ, स्कूल में दीदी ने भी आंखों पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आंखों को बहुत कम और बहुत तेज रोशनी से बचाना चाहिए। हाँ। घर की गंदी दीवारें और छत भी आंखों पर प्रभाव डालती है, पर राजू को तो कुछ भी नहीं पता। देखिए ना दादी माँ, मुन्नी क्या कह रही है। ठीक ही तो कहती है राजू बेटा। अच्छा वैसा करो, थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लो। हा? दादी माँ अभी भी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे ठहरो ठहरो जरा चप्पल तो पहन लूँ। दादी माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा तो चलो तुम भी चलो। आओ चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ओ नमस्ते, आइए सरला बहन आइए। डॉक्टर साहब जरा देखना तो, ये राजू की आंखों में बहुत दर्द है। राजू बेटा जी जरा इधर तो आओ। अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं।
क्या हुआ आंखों में? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, उस गंदे तालाब में नहा लिया है और बता रहा था कि इसकी कक्षा में किशन की आंखें भी आज लाल थीं। जी। अच्छा, तो ये बात है? जी हाँ। आओ राजू, इधर आओ। अभी तुम्हारी आंखें साफ करके उनमें दवा डालता हूँ। खोलो, बहुत दर्द हो रहा है। बस क्यों करते, खोलो ना जरा। राजू, आंखों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। इन्हें गंदगी और धूल से बचाना चाहिए। जी। देखो राजू, आंखों में बार बार संक्रमण होने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये संक्रमण क्या है? संक्रमण यानी छूत का रोग, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने एवं साथ रहने से तथा रोगी की वस्तुओं को इस्तेमाल करने से होते हैं, उन्हें संक्रमण से यानी छूत से होने वाले रोग कहते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम भी अपना तौलिया व रुमाल साफ और अलग रखना। जी डॉक्टर साहब। देखो राजू बेटा, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की खुराक लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये विटामिन ए की खुराक किन किन चीजों में मिलती है? सरला बहन, विटामिन ए पीले फलों जैसे संतरा, पपीता, आम और हरी सब्जियों में पाया जाता है। अच्छा। अंडे और मछली में भी ये मिलता है, इसलिए इनका हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, इन चीजों को नहीं खाने से क्या होता है? मुन्नी बिटिया, विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं और आंखों में रतौंधी रोग भी हो जाता है। अच्छा। इस रोग में रात को कम दिखाई पड़ता है। ओह। डॉक्टर साहब, मैं तो फल और सब्जियाँ खूब खाती हूँ। शाबाश, तभी तो तुम्हारी आंखें स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बड़े काम की बातें बताई। सरला बहन, ये दवा रख लीजिए, इसे राजू की आंखों में रोज डालना है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, अब हम आंखों का हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ डॉक्टर साहब। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे रखेंगे कैसे नहीं ध्यान अपनी आंखों का, नहीं तो मैं इन्हें दिखाऊंगी अपने गुस्से से हुई लाल लाल आंखें। अनमोल उपहार। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख महेश कक्कड़, कलाकार सुरेश शास्त्री, सुचित्रा गुप्ता, अनन्या और प्रिया, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ चतुर्वेदी एवं सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।